नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे देखे ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो फिर से मैं कोरोना जो वायरस चल रहा है उस पर ही बना रही हूँ। उपाय भी यहाँ दूंगी, साथ ही साथ प्रोटेक्शन की कोशिश करूँगी। यूँ तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है जिसका नाम यदि आप लिखेंगे रेखी ज्ञान प्रोटेक्शन वायरस तो वो वीडियो आ जाएगा। उसमें मैं सुझाव जो नंबर्स दे रही हूँ ऑक्सीजन लेवल कम होने के और जो उपाय दे रही हूँ उनको आप वहाँ से निकालिए और करिए। मेरे क्लाइंट्स जो हैं जो मुझसे हीलिंग करा रहे हैं कोविड की, उन लोगों ने ये उपाय किए हैं और उन्हें बहुत आराम मिला है। यूँ तो आप जानते हैं आजकल हर घर में काढ़ा बनी रहा है। ये स्पेशल वीडियो मैं अवेयरनेस पर आज बना रही हूँ। अवेयरनेस पर इसलिए बना रही हूँ ताकि जो सुझाव मैं आपको यहाँ आज दूंगी यदि वो भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो भी आप प्रोटेक्शन बहुत हद तक अपने अपने परिवार की कर सकते हैं। कोरोना वायरस यदि इस वक्त ऐसा शायद कोई घर मुझे नहीं लगता जो इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा। सब घर में कोई ना कोई दिक्कतें चल रही हैं। हर घर के अंदर आप देखिए इस वक्त काढ़ा उपाय किए जा रहे हैं, दवाइयाँ रखी जा रही हैं। फीवर है तो चाहे आप होम्योपैथिक ले लें चाहे एलोपैथिक ले लें, कोई भी आप द मेडिसिन ले लें, लोग ले रहे हैं। आज का विशेष वीडियो मैं वायरस पर बनाऊंगी। सबसे पहले जो भी वायरस में लोग कह रहे हैं कि आपको मास्क पहनना है अपना, तो मास्क पहनिए। यदि आप ऑफिस जाते हैं तो हमेशा अपना मास्क अपने पास रखिए और पहन के रहिए। टाइम से सैनिटाइज़र से अपने हाथ हमेशा रखिए, सैनिटाइज़र से अपने हाथ, या सामने कोई आपके आ रहा है आपसे मिलना चाह रहा है तो आप अपने हाथों को वहाँ धोते रहिए। जो भी प्रोटेक्शन दी जा रही है वो कीजिए। हम कहते हैं सुबह उठ के गर्म पानी पियो, दांत साफ़ करो, प्रॉपर क्लीनिंग करो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सब से बचेंगे, इन सब से निकलेंगे। ये आप खुद से अपने घर की सफाई कर रहे हैं, अपने टेबल की सफाई, अपने ऑफिस की कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सारी चीज़ों का इस वक्त बहुत ध्यान रखना है। मेनली हमें क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना है। बाहर से अगर आप कोई कपड़े खरीद के लाते हैं अपने लिए बच्चों के लिए, पहले उसे वॉशिंग मशीन में डालिए, उसे प्रॉपर क्लीन कीजिए, फिर आप पहनिए। पहले तो हम लाते थे और सीधा पहन लेते थे, बहुत चीज़ें बदल गई हैं। इसके कारण कोई ऐसा मैं घर नहीं देख रही, मैं हीलिंग कर रही हूँ उस वक्त क्लाइंट्स की, मैं देख रही हूँ इतनी परेशानी में है, लास्ट स्टेज में लाते हैं, ऑक्सीजन लेवल 30-36 हो चुका है, ब्रीद नहीं आ रही और अलग अलग प्रकार की उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। मतलब मैं खुद जब हीलिंग करती हूँ या उनको जब मैं वास्तु के हिसाब से उनका वो दिखाते हैं अपना एस्ट्रोलॉजी की मैम क्या करना है, क्या दिक्कत है, कब तक ठीक होंगे, एक महीने से तबीयत ख़राब है, दो महीने से ख़राब है, जब देखती हूँ तो बहुत सारी समस्याएं वहाँ पे निकलती हैं। फिर भी मैं निकालती हूँ और उन पर उपाय देती हूँ और करती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से तो मुझे चेक करना ही पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं आप हीलिंग जब कराते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक मीटिंग में बैठी हुई थी। ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूँ कि इसका मेरे ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ा। तो अक्सर हम बैठते हैं या जब कभी कहीं मिलते हैं तब हमारे सामने ऐसी मजाक में बातें आ जाती हैं जिनका वाकई में बहुत हम पर असर होता है। ये जो आज स्टोरी सुना रही हूँ किसी और की है। उन्होंने मुझे बोला कि आजकल क्या हो गया कि आप देखिए ना, हम लोग बैठ खड़े होकर बात कर रहे हैं, आप निकल के जा रहे हो तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कोरोना की कर रहे हैं। टीवी खोले हम अपने कोरोना की करते, घर में हम बैठते कोरोना की करते, हर व्यक्ति इसी की चर्चा कर रहा है। आज ये घर घर में घुस गया, हम उसको बिल्कुल इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे दिए कि वो VVIP है। अब उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई कि कुछ दिन पहले वो ट्रेन में एक व्यक्ति जा रहा है और ट्रेन के अंदर आग लग गई है। अब आग लगने के कारण हम कम्युनिकेशन ट्रेन में हम आगे पीछे डिब्बों से नहीं कर पा रहे हैं, व्यक्ति उसमें फंसा हुआ है और आग लग गई। अब सब चिल्ला रहे हैं, कोई कह रहे हैं कूद जाते हैं चलती ट्रेन से, कोई कह रहा है क्या करें, एक काम करें चेन खींच के देखते हैं, चेन भी काम नहीं कर रही। अब बॉगी में बुरी तरह ट्रेजेडी हो रही है, ट्रेन हिल रही है और लग रहा है आज टूट जाएगी। बीच वाले जो आगे वाली बॉगी है उसमें भी आग लग गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। लोग के बाथरूम से पानी लेके डाल रहे हैं और डर के मारे कह रहे हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। अचानक उसी ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से उसने क्या किया, अपनी माला निकाली और बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आसपास के लोग उसे देख के बोले तू पागल हो गया है, ओम नमः शिवाय कर रहा है, कुछ और तुझे नहीं सूझ रहा, कुछ काम कर, पानी डाल, देख हम लोग मरने वाले हैं, लेकिन वो लगा रहा।
तो एक व्यक्ति उसके पास जाके बोलता है, अगर तू चुप नहीं हुआ तो आज तेरी मैं पिटाई लगा दूंगा। तो अभी भी ओम नमः शिवाय कर रहा है, पता है हम मरने वाले हैं। तो वो हंस के व्यक्ति बोलता है कि मैं नहीं मरूंगा, इस ट्रेन को कुछ नहीं होगा। तो बोलता है ऐसा तू कैसे कह सकता है। बोलता है क्योंकि कहते हैं कि मरते समय यदि आप भगवान का नाम लें तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, और मैंने तो ऐसे कोई कर्म किए नहीं कि मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो, ना मैंने ऐसा कोई काम या दान दक्षिणा की हो, और एंड समय में मैं ओम नमः शिवाय जप कर रहा हूँ तो मुझे वैकुंठ मिल जाएगा। और भगवान ये नहीं चाहेगा कि जो मैंने इतने कर्म बुरे किए हैं उनका मुझे फल प्राप्त ना हो, इसलिए कुछ नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही पूरी ट्रेन ने सुनी, सारी ट्रेन जोर से ओम नमः शिवाय चिल्लाने लगी। जैसे हमने सोचा कि अरे ये क्या हुआ। तो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यदि आप पॉजिटिवली सोचना शुरू कर देंगे तो कितनी भी ट्रेजिडी आए वो अपने आप चली जाएगी। जब मैंने ये कहानी सुनी और वो मुझे बता रहे थे कि आज व्यक्ति करोना 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 कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो वो घर में आएगा ही ना, आप उसको वेलकम करें, जहाँ खड़े होते हैं उसी, आप बोले अरे कुछ नहीं प्रभु कृपा से होगा। अगर आज ये वायरस आया है या आपदा आई है तो हरि कृपा के बगैर इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। आज जो मैं यहाँ बैठ के भी जो मुझे सोच भी मिलती है, आज मैं जो बोलती भी हूँ, जो बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से कहती हूँ, वो भी हरि कृपा से ही होती है। तो हरि कृपा बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा क्या काम है, पॉजिटिव रहना और प्रोटेक्शन करना। ये स्टोरी आज जो मैंने आपको बताई है बेसिकली इसीलिए बताई है, पॉजिटिव रहिए और इसका नाम लेना प्लीज़ हर घर में बंद कर दीजिए। आप सोचिए आप स्वस्थ हैं, इसको ऐसे रिएक्ट कीजिए, एक फीवर आता है, फीवर में आप दवाई लेते हैं और ठीक है। हाँ अगर ऑक्सीजन लेवल कम है, कोई दिक्कत है, तो ज़रूर टेंशन लेने की बात है। अगर मैं और उसके लिए मैंने कपूर का उपाय आपको दिया है, आपको बोला है एक कोई भी कपड़े की या कागज़ की जैसी आपको सुविधा हो, एक छोटी सी एक पोटली ऐसे इतना बड़ा ले लीजिए कागज़ या कपड़ा, उसके अंदर कपूर की गांठ, जैसे मैं दिखा देती हूँ, मैं हमेशा रखती हूँ अपने अपने टेबल पे ऐसे कपूर, आप कपूर की दो चार कपूर ले लीजिए, इसमें दो जोड़े लौंग के, ऐसे लौंग है, लौंग के दो जोड़े, दो ना हो चार हो पाँच हो आपके ऊपर, ये डाल लीजिए, और थोड़ी सी अजवाइन, और इसको ऐसे पुड़िया में बना लीजिए, पुड़िया बना के आप इसकी रख लीजिए, छोटी सी पुड़िया बना के, और जनरली इसको सिंपली सूंघना है आपको, सिर्फ सूंघते रहना है उस पुड़िया को जब भी हो। आप देखेंगे अगर आपको नाक में कोई दिक्कत है, आपको वायरस का कोई अटैक आ रहा है, या आपको साइनस की प्रॉब्लम है, सांस रुक रही है आपकी, धीरे धीरे वो आपका जो आपका सांस का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये उपाय है, मैंने किया है बचपन में भी, हमको जब मैंने आपको बताया था और भी अपने वीडियो में, जब हम हाई एरियाज़ में ऊपर हिमालय की तरफ जाते थे तब कपूर और ये पुड़िया हमारे जो बड़े जन थे हमें बनाकर दे देते थे कि बेटा घबराहट हो कोई दिक्कत हो तो उसको सूंघते रहना। उस वक्त ये मजाक था, हम ये रखते थे और इस पर अपना नाम भी लिख लेते थे, क्यों, क्योंकि मिले नहीं और जेब में रख लेते थे। आज इसकी हर व्यक्ति को ज़रूरत है, ये बनाइए और जब भी मौका लगे इसको सूंघिए अगर ऑक्सीजन लेवल नहीं है। कोशिश कीजिए डस्टिंग अपने घर में ना हो, नीट और क्लीन का। अब प्रोटेक्शन आपको कैसे करनी है, आपको बाहर जाना है, आपको दिक्कत हो रही है, तो सर पे ऐसे हाथ रखिए, एक बड़ा सा अपने ऊपर सर्कल बनाइए पॉजिटिव सुख सोचते हुए, और फोर 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 थ्री टाइम्स आपको फोर लिखना है, और उस जब आप फोर लिख रहे हो उस तरीके तब सोचना मैं प्रोटेक्शन में हूँ। प्रोटेक्शन के लिए मास्क अपना, सैनिटाइज़र, और जो भी आप अपना जैसे आके नहाते हैं उसके लिए वार्म वाटर करते हैं, आप जो भी वाटर नहाते हैं वो पूरा प्रोसीजर करना है, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें दिए गए हैं उन्हें फॉलो करना है। अब तो घर में भी लोग मास्क लगा के रहते हैं, मैं तो ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम रहती हूँ, अगर कोई आ गया तो मेरा मास्क मेरे पास हमेशा रहता है, और बिना मास्क लगाए तो मैं काम कुछ करती नहीं, क्योंकि वीडियो बना रही हूँ इस वक्त इसीलिए मैंने उतार रखा है, ये रखती हूँ, उसका आप हमेशा इस्तेमाल कीजिए, क्लीनिंग का ध्यान दीजिए। अब सबसे बड़ी प्रोटेक्शन यहाँ पे जो आ रही है वो आ रही है हमारी कि हम अपनी प्रोटेक्शन कैसे करें। काढ़ा लोग बना रहे हैं उसको भी आप इस्तेमाल करें, उसके अंदर वो लौंग डाल रहे हैं, कपूर डाल रहे हैं, उसके अंदर वो अजवाइन डाल रहे हैं, और कई प्रकार की जो हर्ब्स जो आपकी किचन में, बड़ी इलायची,
काले रंग की बड़ी इलायची होती है उसको कूट लीजिए और पांच सात हर्ब्स को आप बना के उसमें थोड़ी सी या तो गुड़ डालते हैं या चीनी और थोड़ा नमक, नमक चाहे सेंधा हो चाहे काला हो, वो सब डाल के उसे काफ़ी खदका लेते हैं, फिर उसको ड्रिंक करते हैं, उसमें तुलसा जी के पत्ते हो गए। इस तरीके के भी बनाते रहिए और पीते रहिए, बेसिकली इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए। मार्केट में इतने अच्छे से च्यवनप्राश आ रहे हैं, आप उनसे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखिए ये ज़रूरी है इस वक्त करना, बच्चों का विशेष यहाँ ध्यान रखिए, उनको भी आप समझाइए। थोड़े लाइट हल्के मास्क आते हैं जो वॉशेबल हों आप उनको दीजिए और डेली मास्क चेंज कीजिए। हम मास्क चेंज नहीं करते, जैसे मेरा ये वॉशेबल मास्क है मैं इसको रोज चेंज करती हूँ, या मैंने अपने दो तीन मास्क बना रखे हैं जिनको मैं वॉश करती हूँ और चेंज करती रहती हूँ, तो वो भी आप कीजिए। प्रोटेक्शन का प्लीज़ ध्यान दीजिए, कोई भी बात दिमाग में मत सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, एक और मैंने वायरस पे उसको निकाली, उसमें मैं नंबर्स दे रही हूँ विशेष, ऑक्सीजन लेवल कम होने पे आप ये नंबर का प्रयोग करें। उन नंबरों का आपको प्रयोग करना है कैसे, लिखकर या बोलकर कैसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं उन नंबर्स उन स्विच वर्ड्स का, ये आपके ऊपर है। या आप सर्किल में बना लीजिए और उनको जनरली जब उसको रखें तो उसके पानी का ग्लास रखे, उस पानी को ड्रिंक कीजिए, कैसे भी आप कर सकते हैं। आज विशेष वीडियो जो मैंने बनाया है वो इसी कारणवश बनाया है, जो लोग परेशान हैं वो परेशानी में बिल्कुल ना रहें, उपाय कीजिए, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्रोटेक्शन का ध्यान दीजिए और दिमाग से कोरोना वायरस को निकाल के फेंक दीजिए। नॉर्मल फीवर है, आ रहा है, आप इसको नॉर्मल रिएक्शन करें, वैक्सीन जो आ रही हैं उनका इस्तेमाल करें, उसका प्रोसीजर है फॉलो करें और बिल्कुल बी पॉजिटिव। जब तक सांस चल रही है, सांस में दिक्कत नहीं है, तब तक आप प्रोटेक्शन में हैं। होम क्वारंटाइन अगर आप रहते हैं अच्छी बात है, पूरे जितने भी रूल्स हैं उन्हें फॉलो कीजिए और इसका नाम घर में लेना बंद कर दीजिए। हरि नाम जपिए, प्रभु का नाम जपिए, ये प्रोसेस पॉजिटिविटी का शुरू कर दीजिए। आज रेखी ज्ञान के माध्यम से मैंने यामिनी शर्मा जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती थी, जो मुझे भी प्राप्त हो रही है, मैंने आपसे शेयर की है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैं आपसे कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, इस वक्त बहुत ज़रूरत है अवेयरनेस की। रेखी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।